आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ 4.5 इंटू 3.5 डायमेंशन का फोटो कैसे बनाते हैं या फिर 122 इंटू 132 पिक्सल का फोटो कैसे बनाते हैं। आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो पेंट है, जो कि एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आज आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी JPG फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर PDF फाइल को JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर JPG की साइज़ को कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर आप PDF फाइल की साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इन सारे टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है, उस सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोग को, अगर आप एक ऑनलाइन फॉर्म करते होंगे तो आपको अक्सर देखने को मिलता होगा पिक्सल में या फिर सेंटीमीटर में आपको फोटो को अपलोड करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फोटो बनाना सिखाऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मेरे एक पासपोर्ट साइज फोटो है। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ओपन विद पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे आपको राइट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन पेंट का, तो सिंपली आपको पेंट पे क्लिक करना है तो आपका जो फोटो है पेंट में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करना है। रीसाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज और पिक्सल देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको पिक्सल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है, इसको आपको अनचेक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको, अगर आपका रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन, अगर आप वो फोटो अपलोड करना है 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेंटीमीटर से पिक्सल में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए मैं ऑनलाइन एक तरीका आप लोगों को बता देता हूँ जिसको आप सेंटीमीटर से पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है सेंटीमीटर टू पिक्सल कन्वर्टर। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपका हॉरिजेंटल है 4.5 सेंटीमीटर का, वैसे हॉरिजेंटल होता है 3.5 सेंटीमीटर का, तो चलिए मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल में आ गया 132। तो चलिए मैं यहाँ पे पेंट में हॉरिजेंटल में आपको 132 यहाँ पे दे देता हूँ, 132। और ये मेरा वर्टिकल जो कि हाइट होता है, तो हाइट होता है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे इंटर करते हैं सेंटीमीटर में। तो चलिए यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का होता है 170। तो यहाँ पे पेंट में वर्टिकल में आपको 170 यहाँ पे टाइप करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का एक एक्चुअल डायमेंशन का फोटो बन चुका है। अब इसको सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव एज, और सेव एज करने के बाद यहाँ से आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे JPG में करना है तो आप सिंपली JPG को ही छोड़ दीजिए और उसके बाद फाइल नेम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे फोटो JPG यहाँ पे लिख देता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो फाइनली मेरा जो फोटो है वो सेव हो चुका है मेरे डेस्कटॉप पर। तो चलिए हम आप लोग को ओपन करके उसको दिखला देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का एक डायमेंशन का फोटो बन के रेडी है। तो अगर आपको भी 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फोटो बनाना चाहते हैं तो आप पेंट में बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।